हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ म्यून स्टूडियो कॉम्पैक्ट पाउडर का रिव्यू। साथ ही दोस्तों मैं आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से जुड़े कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दूंगी और कॉम्पैक्ट पाउडर को हमें कैसे यूज करना चाहिए और कौन से कॉम्पैक्ट पाउडर को हमें डे टाइम में लगाना चाहिए और कौन से कॉम्पैक्ट पाउडर को हमें नाइट टाइम में लगाना चाहिए। ये सब हेल्पफुल टिप्स मैं आज की इस वीडियो में आपको दूंगी। तो प्लीज दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। मार्केट में ना इतने तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर आ गए हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन से कॉम्पैक्ट पाउडर खरीदें और कौन से ना खरीदें। भाई अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छा लगता है मैं परचेज कर लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कौन कितना महंगा है कौन कितना सस्ता है। जरूरी नहीं होता कि हर महंगी चीज अच्छी हो और ये भी जरूरी नहीं होता कि हर सस्ती चीज बेकार ही हो। कभी कभी क्या होता है कि कम बजट में भी हमें अच्छी चीजें मिल जाती है और मेरा टेस्ट कुछ ऐसा ही है भाई। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मेरी चॉइस ऐसी ही है, जहां भी मुझे कोई अच्छी चीज मिलती है चाहे वो कम पैसे की हो या ज्यादा पैसे की, तो मैं परचेज कर लेती हूँ। अब बात करें अगर कॉम्पैक्ट पाउडर की, तो मुझे हाल फिलहाल में ये बियोन की कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इसे मैंने अपने शहर की नॉर्मल मार्केट से ही परचेज किया था। वैसे आपको ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पर मिल जाएगा। इसी का रिव्यू मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है म्यून स्टूडियो कॉम्पैक्ट पाउडर। लाइट वेट फ्लॉलेस बेस लॉन्ग लास्टिंग कॉम्पैक्ट पाउडर है। पैकेजिंग आप देख सकते हैं इसकी। और इसमें आपको 4 तरह के शेड्स मिल जाएंगे: 01 पर्ल, 02 मार्बल, 21 नेचुरल बेज, 23 स्किन बेज। तो जो मेरा शेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा जो शेड है म्यून स्किन बेज 23 मेरा शेड है। पैकेजिंग आप देख सकते हो, ब्लैक कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको ये मिल जाएगा। सभी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो म्यून का कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह पर मिल जाएगा। 20 ग्राम की आपको इसमें क्वांटिटी मिल जाती है। सभी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। प्राइस की मैं अगर बात करूं तो ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट पाउडर है। और इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। ये देखिए, तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। आपको मेरा ट्राइपॉड भी नजर आ रहा होगा। ये देखिए, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है और इसके अंदर आपको एक अच्छे साइज में मिरर भी मिल जाता है। और ये प्लास्टिक शीट दी गई है। और ये देखिए, ये है म्यून कॉम्पैक्ट पाउडर। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने ना म्यून के लिप क्रियोन के रिव्यू भी शेयर किए हुए अपने चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए, दो तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर इसमें आपको दिए गए हैं। तो एक आपको ये मैट कॉम्पैक्ट पाउडर मिल जाता है, जिसमें कि मतलब जो शिमर पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं है इस कॉम्पैक्ट पाउडर में। और सेकेंड जो आपको दिया गया है इस तरीके से, ये देखिए, दो तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको लिटिल बिट शिमर पार्टिकल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से दो कॉम्पैक्ट पाउडर आपको मिल जाते हैं। दोनों ही शेड एकदम सेम है, अलग नहीं है। और ये देखिए, इसका पफ दिया गया है साथ में लगाने के लिए आपको। तो ये पफ भी मुझे अच्छा लगा, अच्छी क्वालिटी में है। और इतने प्राइस में आपको इतना अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर मिल रहा है, वो भी 2-in-1 कॉम्पैक्ट पाउडर आप इसे बोल सकते हो। तो काफी अच्छा है, प्राइस में भी बहुत ही अफोर्डेबल है ये और अच्छे से लोक हो जाता है, इसलिए आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। ये है म्यून स्किन बेज 23 मेरा शेड है। डस्की स्किन वाले यानी कि ब्राउन स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है उनके लिए। इसकी परचेज लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। पैकेजिंग मुझे काफी क्लासी लगी है इसकी, काफी अच्छी है। चलिए मैं इसे लगाकर भी दिखाती हूँ आपको। और ये कॉम्पैक्ट पाउडर गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसमें आपको और भी शेड्स मिल जाएंगे। परचेज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। मुझे ऐसे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह पर मिल जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं गांव में रहती हूँ और गांव में मेरे और भी बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि बोलते हैं दी हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर किया करें जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह पर आसानी से मिल जाए। तो म्यून के प्रोडक्ट ऐसे ही हैं, म्यून के लिपस्टिक भी और कॉम्पैक्ट पाउडर भी और भी प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह पर मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात मुझे इस ब्रांड की ये लगती है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाता है। पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है, आसानी से आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हो। ऑफिस वगैरह में, सफर में, अगर आप बाहर जा रहे हैं तब भी आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हो। इसकी कवरेज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ी सी ही क्वांटिटी में बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत अच्छी कवरेज देता है, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए,
कवरेज इसकी बहुत अच्छी लगी है मुझे और डस्की स्किन वालों के लिए भी ये शेड अच्छा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो शिमर पार्टिकल्स वाला कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, वो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आता है, लेकिन इसमें है तो मैं अपने पैसे वेस्ट तो नहीं करूंगी, आप भी अपने पैसे वेस्ट तो नहीं करना चाहेंगे। मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी यहाँ पर, तो चलिए इस कॉम्पैक्ट पाउडर को मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। और ये जो मेकअप आप देख रहे हो दोस्तों, ये मेकअप लुक मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर शेयर करूंगी और वीडियो मैंने बना दी है, बस एडिटिंग का काम बाकी है। तो ये मेकअप लुक आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और ये देखिए मैं दोनों ही कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस पर आपको लगाकर दिखाऊंगी। हाफ फेस पर मैं जो नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर है वो लगाऊंगी और हाफ फेस पर जिसमें शिमर पार्टिकल्स हैं वो वाला लगाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए थोड़ी सी उसमें ही बहुत अच्छी कवरेज देता है ये। और ये कॉम्पैक्ट पाउडर काफ़ी लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग कॉम्पैक्ट पाउडर है और बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला के साथ आता है और बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस बेस मिलता है आपको। और ये ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। डेली के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ही बेस्ट है और समर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर है और अब मैं ये शिमर पार्टिकल्स वाला कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोनों ही कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस पर लगा लिए हैं। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर है ये। और इससे पहले भी दोस्तों मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर पर वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगी, तो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आएगी कि डस्की स्किन वालों के लिए कौन से कॉम्पैक्ट पाउडर बेस्ट होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। फिलहाल अगर बात करें इस कॉम्पैक्ट पाउडर की, तो मुझे ये कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। तो आप भी दोस्तों यदि ये वाला मियोन का कॉम्पैक्ट पाउडर खरीदना चाहते हैं, यूज कर देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हो। काफी अच्छा मियोन का कॉम्पैक्ट पाउडर है ये और अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देना चाहूंगी दोस्तों, कॉम्पैक्ट पाउडर से जुड़े हुए टिप्स देना चाहूंगी। क्या होता है कि काफी बार हमें हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली परफेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं मिल पाता है, या फिर क्या होता है कि हम कभी कभी हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर ले आते हैं या फिर कभी मीडियम कवरेज का कॉम्पैक्ट पाउडर ले आते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए डे टाइम की अगर मैं बात करूं तो दिन के समय में हमें हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर की जरूरत नहीं होती है, मीडियम कवरेज चाहिए होती है हमें डे टाइम में, बहुत ज्यादा कवरेज की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे में आप मीडियम कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज कर सकते हैं। अगर आपका मीडियम शेड आ गया ना या थोड़ा सा डार्क आ गया, तो उसे आप डे टाइम में यूज कर सकते हैं और डे टाइम में आपको इतनी ज्यादा कवरेज की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, कहीं बाहर जा रही हैं, तो आप मीडियम कवरेज की कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर की। तो हाई कवरेज जो कॉम्पैक्ट पाउडर अगर आपने परचेज कर लिया है, गलती से अगर परचेज कर लिया है, तो आप उस कॉम्पैक्ट पाउडर को नाइट टाइम में यूज कर सकते हैं। लाइक अगर रात की शादी है, फंक्शन है, पार्टी है, तो आप रात में हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इससे आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, पैसे वसूल हो जाएंगे, प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाएगा, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी हेल्पफुल टिप थी आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाया कैसे जाता है। अगर आप डे टाइम में कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना पसंद करती हैं, तो आप अपनी स्किन के रूटीन जरूर फॉलो कीजिएगा, मॉइस्चराइजर वगैरह जरूर लगाइएगा। ड्राई स्किन पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे तो उससे आपका फेस जो है थोड़ा वाइट वाइट सा दिखेगा और अच्छा नहीं दिखेगा, आपकी स्किन अच्छी नहीं दिखेगी। तो ऐसे में आप हमेशा मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वगैरह लगाने के बाद ही कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कीजिएगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। ड्राई स्किन पर कभी भी कॉम्पैक्ट पाउडर मत लगाएं। आई होप दोस्तों कि आपको आज का ये कॉम्पैक्ट पाउडर रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। यदि आप कोई चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और मौज पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन से प्रेस कर देना दोस्तों, तभी आप मेरी आने वाली हर नई वीडियो से नोटिफाई रहेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ और ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।